फोर वेयर का 1000 रुपए में, 1000 रुपए में। और मतलब थोड़ी बार्गेनिंग करे तो और क्या कॉस्ट है इसकी? ये है 1500 रुपए, 1500 रुपए। अभी 750 रुपए, अभी 750 रुपए, 8 जनों के लिए 750 रुपए है ना लगभग, यानी 100 रुपए पर पर्सन से भी कम बैठे। 8 रुपए आपको ये चीज अच्छी मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, पूछते ही वो अपनी हेल्प के लिए एकदम तैयार हो गए। मजा जब आता है जब आप पहली बार किसी जगह पे एक्सप्लोर, इसका आनंद ही अलग होता है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है धामी जी, वो भी यहाँ पे आ रखे हैं। धामी सर, मुख्यमंत्री जी, ये भी बद्रीनाथ के दर्शन करके जाते हुए। तो जय बद्री विशाल दोस्तों, आज है बद्रीनाथ में मेरा तीसरा दिन। तो इससे पहले कि आपने अगर पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद देख लेना। अब इस वीडियो में करते हैं थोड़ी काम की बात। काम की बात मतलब आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो स्टे कहाँ करेंगे? तो यहाँ पे जो स्टे के ऑप्शन है मतलब होटल धर्मशाला है। आपको पता है जो पीछे आप देख रहे हैं बद्रीनाथ, चारों धामों में ये सबसे बड़ा धाम है। मतलब फैसिलिटी वाइज भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज उन्हीं को हम ढूंढते हैं, उन्हीं को आपको दिखाता हूँ मैं। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है बद्रीनाथ की, तो बिल्कुल एक बोलते हैं ना अननोन तरीके से जाएंगे, सर्च करेंगे अपने होटलों को, धर्मशालाओं को, आश्रमों को। बहुत सारे यहाँ पे आश्रम हैं, स्टे के अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे करके चलते हैं, यहाँ था मेरा होटल, अंदर गली में जाके। तो ये जाता है मेन रोड को रास्ता, यहाँ से ये पहला ऑप्शन तो आपको यहीं मिल जाएगा। मेरे होटल के बगल में ये ऑप्शन है। ये आप यहीं के कर्मचारी? ये मतलब ये क्या है, ये अप्लाई करके आ गया रिसेप्शन है? अच्छा दिखा दीजिए, थोड़ी जानकारी दे दीजिए क्योंकि अब दर्शक वगैरह आएंगे तो अंदर लिस्ट वगैरह। तो ये देखिए आप, मैंने आपको बोली थी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की है, विश्राम गृह है ये, और बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी आपको। तो ये हमारे साथ है, आपका नाम क्या है सर? मुकेश सती जी। मुकेश जी, तो दिखा सकते हैं आप थोड़े रूम हमारे दर्शकों के लिए? दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा दीजिए। पहाड़ों पे आपको ये चीज़ अच्छी मिलेगी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, देखिए आप पूछते ही वो अपनी हेल्प के लिए एकदम तैयार हो गए। तो इस तरीके के आपको पहाड़ों पे ही लोग मिलेंगे, दिल के सच्चे। तो ये है मार्केट। अच्छा मौसम है, कल बर्फ बर्फ पड़ी थी पर आज धूप खुल चुकी है। चलिए अब आपको मैं यहाँ से चल के रूम दिखाता हूँ कि रूम के कैसे कैसे ऑप्शन हैं, मिल जाएंगे आपको। अच्छा वो ऑफिस है आपका है? जी सर, वहाँ से बुकिंग होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो बुकिंग वाला ऑफिस है जो मैंने आपको दिखाया है, और कमरे इनके इस तरफ है। चलिए मेरे साथ। तो देखिए ये पहला मिलेगा आपको चांद कॉटेज, जिस पर लिखा हुआ है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और रास्ता ऊपर को जाता है। तो अच्छे कमरे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए पहला कमरा, हम आ गए पहले कमरे में। सफाई वो तो होती रहेगी क्योंकि लगातार यहाँ पे आने का सिलसिला है। फर्श पे आपको मिल जाएगा ताकि ठंड ना लगे। 4 बेड हैं, 4 जनों आ सकते हैं। ये रही बाथरूम, बाथरूम में आपको गीजर मिल जाएगा। तो अच्छे हैं मतलब। तो इनकी कॉस्ट कैसी रहती है मतलब? इसकी सीजन में तो 1200 रुपये, सीजन में 1200। अभी जुलाई के बाद जो है हाफ रेट हो जाता है। अगर आप आते हो तो यहाँ पे 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कपाट बंद होने तक। तो एक अच्छी चीज़ है। तो आपको दिखाई दी चांद कॉटेज, तो कमरे देख लीजिए, 4 आदमी आराम से रुक सकते हैं 600 रुपये में। गीजर मिल जाएगा, ये देखा आपने, ये था चांद कॉटेज। ऐसे ही हम आपको और दिखा देंगे, सर का नंबर मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे लेके, तो आप आराम से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। ये दूसरे इनके कॉटेज में आ चुके हैं, इसका नाम है डालमिया कॉटेज, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो ये डालमिया कॉटेज में आप देख सकते हैं, ये भी 4 बेड है, नहीं 8 बेड, 8 बेड है, 8 बेड। अच्छा अच्छा, तो ये 8 बेड सूट है, 4 यहाँ पे बिछे हैं 4 जनों के लिए। और देखिए आते हैं कमरे में, तो 8 बेड है, तो एक फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आइए आपको बाथरूम दिखा दूंगा यहाँ से। बाथरूम सिंपल है, गीजर नहीं है पर यहाँ पे। अच्छा गीजर वहाँ पे है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए गीजर आपको मिल जाएगा। तो ये आपने देखा 8 जनों का है मतलब, है ना, 8 आदमियों के लिए। इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी ये है 1500 रुपये, 1500 रुपये, अभी 750 रुपये। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा बजट में है, 8 जनों के लिए 750 रुपये है ना लगभग, यानी 100 रुपये पर पर्सन से भी कम बैठेगा आपको। तो ये अच्छी चीज है, तो आ सकते हैं। इसका नाम है डालमिया कॉटेज, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सारे 4 बेड के हैं जो मैंने आपको दिखाया, वो 8 पर्सन के लिए था। दिखा दिए 2 ऑप्शन, अब यहाँ से
चलते हैं। अच्छी बात यह है कि जून जुलाई तक रेट जो रहते हैं उसके बाद रेट डाउन हो जाते हैं और कपाट बंद होने तक आपको 50% 40% का डिस्काउंट सब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये केदारनाथ का मार्केट बोल सकते हैं, खाने पीने का ऑप्शन, रुकने का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पूजा का सामान ले सकते हैं। गरम गरम दूध पराठे बनते हुए मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। आइए अंदर चल के पता करते हैं। सर ये क्या है, होटल है आश्रम धर्मशाला क्या ये? आश्रम है। आप जब बद्रीनाथ आए तो अच्छा ऑप्शन ये गीता मंदिर भी मिल सकता है आपको। गीता मंदिर आमने सामने आपको डबल फोर बैठ के। हाँ आइए आइए। तो आपका नाम क्या भाई साहब? विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह जी मिल गए हमें, तो विक्रम सिंह जी बताएंगे अब हमें। आइए ये सब फोर बेड के हैं। अच्छा तो ये फोर बेड है, देख लीजिए गीता मंदिर में। तो अच्छे कमरे हैं, बाथरूम में आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल है बाथरूम, नहीं गीजर वाले भी हैं, सेम रूम। अच्छा अच्छा गीजर वाले। तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी? ये फिलहाल तो सारा बिजनेस फोर बेड का ₹1000 में। और मतलब थोड़ी बार्गेनिंग करे तो और हो, है ना। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये है नॉन गीजर। अब गीजर वाले दिखा दीजिए आइए। तो ये है मतलब गीजर वाला, है ना जी सर। तो ये भी फोर बेड है, देखिए अच्छे कमरे हैं, चौड़े चौड़े सोफे बिछे हुए हैं, आराम से फैमिली रह सकती है। ये बाथरूम हो गई, गीजर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है बड़ी बड़ी बाथरूम है। तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी? ये भी सुने सर, गीजर वाला 1200-1300 है। 1200-1300 घूमना चाहे मंदिर का पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। अच्छा बहुत खूबसूरत। अरे तो हम टेरेस पे आ गए हैं। जनरली पहाड़ों पे छत मिलती नहीं है क्योंकि जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे वो ज्यादातर छत रखते नहीं है ना, टीन वाली रहती है। पर यहाँ देखिए आप, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ देख सकते हैं आप, तमाम बद्रीनाथ का नजारा दिख रहा है और सामने बद्री विशाल भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं। जय भगवान। तो पूरा आपको बद्रीनाथ जो आपको शहर है पूरा यहाँ से नजर आएगा। तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है, देखिए पीछे। तो ये थी गीता मंदिर है, ये आपको बीच में मिल जाएगी। मार्केट से जब आएंगे तो यहाँ पे आके आके इनसे बात कर सकते हैं। मजा जब आता है जब आप पहली बार किसी जगह पे होते हो, एक्सप्लोर इसका आनंद ही अलग होता है। GMBN यानी गढ़वाल मंडल वाले जो कॉटेज होते हैं बद्रीनाथ में भी आपको मिल जाएंगे। इनकी बुकिंग प्री बुकिंग का इनका झंझट रहता है, इसलिए अक्सर ये भरे ही मिलते हैं। तो गढ़वाल विकास मंडल का आप देख सकते हो, आवास एवं भोजन उपलब्ध है, होटल देवलोक और डोरमेट्री यानी वो जो होस्टल वाला हिसाब होता है ना पर बेड वाला एक के ऊपर एक, वो डोरमेट्री ₹300 का है। ये बोर्ड लगा हुआ है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे लगा है बद्रीनाथ धाम के समीप दर्शनीय स्थल, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे चलते चलते यहाँ पहुंच गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं नीलकंठ सदन, ये भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ही है। चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पे रहने का हिसाब। तो ये भी मंदिर समिति का ही आपको मिलेगा नीलकंठ सदन। सच्ची बात यहाँ पे आपको ATM भी मिल जाएगा और अच्छे कमरे कैसे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब मंदिर समिति के ही हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जो समिति है उन्हीं के ही आश्रम आपको मिलेंगे। फिलहाल तो यहाँ कोई है नहीं, सब पे ताला लगा हुआ है। सकते हैं हाउसफुल यानी कमरे फुल हो गए हैं यहाँ पे। सब पे ताले लग रहे हैं यानी ये पूरा हाउसफुल हो रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ पे एक रूम खाली मिला है तो हमने देखा है, खोल के आप देख सकते हो गीजर लगा हुआ है यहाँ पर, बाथरूम बढ़िया है, गीजर है, डबल बेड है, दो आदमियों के लिए अच्छा है। लगा देते ताला। मैंने रूम दिखा दिया नीलकंठ के भवन के भी, आप यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे कोई मिला नहीं जिससे मैं पूछ सकूँ, पर ये भी मंदिर समिति का ही है। तो जो मैंने आपको वो डालमिया और चांद कॉटेज दिखाया था उसी के रेट के सिमिलर होंगे। रूम बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात सर्दियों में जो सबसे ज़रूरी होती है जब आप ऐसी हाइट पे होते हो, गर्म पानी यानी गीज़र, तो गीज़र आपको मिल जाएगा। फिलहाल हाउसफुल का बोर्ड लगा है तो यहाँ पे कमरे सभी चढ़े होंगे। और तो ये सब बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के ही हैं। चलो आगे चल के देखते हैं। श्राम ग्रहों की सूची,
आपको विश्राम गृह जो मिल जाएंगे, नीलकंठ बहु सदन ये यही है, बद्री जियो सदन डालिमिया मैं आपको दिखा चुका हूँ, चांद कॉटेज आपको दिखा चुका हूँ, मोदी भवन होगा आगे शांति। तो ये जो सारे हैं ये मंदिर समिति के ही हैं जो आपको मैंने दिखाए, ऑप्शन दिए 6-7, तो यहाँ के आपको रुक सकते हैं। और बाकी जो प्राइवेट होटल है उनकी भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, वहाँ पे आप बार्गेनिंग करेंगे तो ठीक आपको रूम मिल जाएंगे। अब पहुँच चुके हैं मंदिर के ठीक सामने और देखिए यहाँ से नज़ारा मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया है, पर जितनी बार आओ उतनी बार मन करता है बस यहीं रुक जाओ। देख लीजिए आप सामने मंदिर और बहुत भीड़ है आज मंदिर की तरफ। हम ऐसे जाते हैं सामने अलकनंदा के ऊपर से ब्रिज पार करते हुए। और यहाँ पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है धामी जी वो भी यहाँ पे आ रखे हैं। धामी सर मुख्यमंत्री जी ये भी बद्रीनाथ के दर्शन करके जाते हुए। से मैं आपको दिखाऊंगा बाबा कमली वाली जो रास्ता जो जाता है पीछे से ही जाता है, तो वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूँगा। काफ़ी क्राउड भी है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी यात्री आ रखे हैं, अच्छा मौसम रखा है। पीछे मंदिर के ही बाई तरफ से है ये मार्केट नंबर 3 गेट से। चलिए तो लोकेशन आपको मिली रही है, 3 नंबर गेट से ऊपर जाना है, बाबा कमली की मैं तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। तो ये है बद्रीनाथ धर्मशाला बाबा कमली पंचायत क्षेत्र, मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा कमली कार्यालय का रूम है और सिटिंग देखिए नीचे है। यहाँ पे यहाँ है नहीं कोई, देखिए यहाँ पे भी अच्छे कमरे, काफ़ी साफ सुथरे और अच्छे कमरे हैं यहाँ पे बाबा कमली में। आप देख सकते हैं डबल बेड है ये, नॉर्मल बाथरूम है, अलग रूम है साथ में। तो फैसिलिटी नॉर्मल ही है, आसरमो जैसी डबल बेड है। तो यहाँ पे भी जब आप आए तो रूम का पता कर सकते हैं, फिलहाल मुझे कोई दिख नहीं रहा है पर्सन। तो ये मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं स्टे के जो अच्छे हैं, और मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है इसकी लोकेशन, 3 नंबर गेट से आप आए जो रास्ता ऊपर की तरफ आ रहा है वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। देख लीजिए जैसे किसी को रूम वगैरह चाहिए तो क्या क्या है, कैसे कितने के रूम पड़ेंगे, क्या है रूम हमारे यहाँ बिना गीजर वाले 400 के हैं। अच्छा गीजर वाले 500। अच्छा हमारे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। नहीं ऑनलाइन की नहीं कह रहा मैं ये कह रहा है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपके में रूम है कि नहीं अवेलेबल। कांटेक्ट ऐसा होता ही नहीं हमारे यहाँ, खाली रहने पे ही मिलेगा यहाँ पे, जब आप पहुँचोगे तब जाएगी। मतलब आपसे कोई फोन करके अगर पूछे कि देहरादून से सर आपके यहाँ रूम है तो आप बताओगे नहीं? जी तो ये भी एक तरीके के मेले हैं बाबा कमली, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे आए तो वो कह रहे थे हमारे ऑनलाइन वाला कोई प्रोसेस नहीं है, तो आप वहाँ जाएं वहीं पे आपको रेट वेट की जो भी बात है, पर कह रहे थे रेट हमारे बहुत ही बजट में है, अच्छे कमरे आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे नहीं है। तो यही थे कुछ ऑप्शन सस्ती धर्मशाला है सस्ते आश्रम बद्रीनाथ में जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय बद्री विशाल।